हेलो व्हाट्स अप दोस्तों, आई एम योर दोस्त एंड होस्ट अनुपम कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम भारत। दोस्तों जैसा कि है आज डे 40 और कल के वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी तबीयत हो गई थी खराब, बीपी हो गया था लो और थोड़ी पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में चोट आ गई है, तो इसीलिए मैंने कल भी एक्सरसाइज नहीं किया, आज भी एक्सरसाइज नहीं किया। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, 10 दिन का रिसर्च है ये, और आप लोगों को बताऊंगा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी रहा, तो इट वॉज कम्प्लीटली डिजास्ट्रस और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, और नहीं होने का रीज़न भी है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, जो लोग जिम कर रहे हैं, जो लोग अपने डाइट पे स्पेशली डाइट पे फोकस कर रहे हैं, जो लोग डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों को मैं शुरू से अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग डाइट के थ्रू मोटापा को कम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है आपको ये चीज़, क्योंकि मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था जब एक्सरसाइज, तो डाइट अपना बताया था कि 2 टाइम रोटी खा रहा था, 1 टाइम ओट्स या दलिया खा रहा था, तो वो और उसके अलावा स्प्राउट्स ले रहा था मैं और फ्रूट्स वगैरह ले रहा था, वो डाइट बिल्कुल सही डाइट थी। और अभी हुआ क्या कि डे 30 को कुछ जैसा मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में, आपने सारा देखा होगा, तो मैंने आपको बता दूं कि 1 महीने में 30 दिन में केवल घर पे रह करके 4.8 kg वजन कम कर लेना भी कम नहीं होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है और बढ़ती जाती है, लालच और बढ़ता जाता है। तो 3 kg वेट 10 दिन में लूज़ करने के बाद मेरा होप बढ़ गया था कि एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि 6 kg वेट कम होगी, हुई 4.8 kg। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, डे 31 डे 32 को थोड़ा मैंने खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल से भी ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मीठा वीठा खा लिया, सब कुछ खा लिया, और अगले दिन फिर कुछ कुछ त्यौहार था उसके कारण भी कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, और फिर डे 33 को मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा वज़न, अगर मुझे याद था कि 86 था मेरा डे 30 को, और जब मैंने डे 33 को मॉर्निंग में अपना वेट किया तो 86.4 हो गया था वो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत मीठा खाया था, मैंने रबड़ी खाया था, मैंने मिष्टी दही खा ली थी और मैंने मिठाई खा ली थी खोए की, और बहुत सारा मीठा मैंने खा लिया था, इवन अगले दिन तला हुआ भी बहुत सारी चीज़ें मैंने खा ली थी, और थोड़ा टेंशन में भी था क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद 30 दिन के बाद जब रिजल्ट मैंने देखा था कि 4.8, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था हालांकि, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये हो जाती है। और उसका रीज़न था कि जब डे 33 को मैंने सुबह अपना वेट किया तो 86.4 निकला, मैं कंप्लीट शॉक में आ गया कि भाई ये तो टेंशन में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो इतना रिसर्च कर ही रहे हैं, 30 दिन इतने दिन रिसर्च करते करते निकल ही गया है, तो एक और रिसर्च करते हैं, जैसा कि ये लोग बाकी लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि कार्ब्स कम करो, 100 से 150 कार्ब्स लो, ये लो वो लो, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार ये भी इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं वो भी ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने किया क्या था दोस्तों कि डे 33 से मैंने मॉर्निंग में किया गया, मैं 2 टाइम रोटी ले रहा था, तो मैंने क्या मॉर्निंग में ओट्स लेना शुरू कर दिया, ओट्स या उपमा चेंज कर करके, और दोपहर के टाइम में दलिया मस्ट हो गया, रोज़ का रोज़ मैंने शुरू कर दिया, और रात के समय केवल 1 टाइम मैं रोटी ले रहा था, उसके साथ सब्जी ले रहा था, तो ऑब्वियसली सब्जी की भी डोज कम हो गई थी, तो सब्जी मतलब समझ सकते हो सब्जी में भी विटामिन फाइबर सब कुछ होता है, तो मैंने रोटी के साथ सब्जी ले रहा था, तो शाम के समय 1 ही टाइम ले रहा था, बाकी टाइम मेरा ओट्स और दलिया पे काम चल रहा था। और ऐसा नहीं है कि बाकी सब चीज़ें मैंने बंद कर दी थी, मैंने फ्रूट्स, मैं दोपहर के टाइम में 11 बजे फ्रूट्स भी ले रहा था, खीरा वगैरह एप्पल वगैरह सारा ले रहा था, शाम के समय मैं 200 ml दूध हॉर्लिक्स के साथ ले ही रहा था, लेकिन बस यही था कि मैंने कार्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा कम कर दिया था, लो कर दिया था। प्रोटीन ले रहा था मैं दलिया के, एज ए दलिया में दाल था तो प्रोटीन तो ले ही रहा था, लेकिन थोड़ा वो भी कम हो गया, नॉर्मल खाना से खाना थोड़ा कम हो गया था। हाँ, और एक्सरसाइज मेरी जो 2 टाइम मैं कर रहा था, 1 घंटा सुबह कार्ब कैलोरी बर्न के सॉरी कार्डियो एक्सरसाइज सुबह मॉर्निंग में 1 घंटा कर रहा, और शाम के समय वर्कआउट फॉर फैट लॉस, यानी वेट लॉस 1 घंटा सुबह और शाम के समय फैट लॉस की एक्सरसाइज, प्लैंक वगैरह एक्सेट्रा जो भी होती है, तो मैं कर रहा था प्रॉपर। कैलोरी बर्निंग बहुत ज़्यादा थी, एक दिन में 1600-1500 कैलोरी बर्न कर रहा था एक्सरसाइज के थ्रू, और मैं अगर कैलोरी टेकिंग इनटेक की बात करूं तो 1300-1400 में ले रहा था कैलोरी, 1300-1400-1500। नतीजा क्या हुआ कि डे 36 को जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा वेट निकला 85 kg। जी हाँ, 85 kg, 3 दिन में मैंने 1.4 kg लॉस कर दिया, वेट लॉस कर दिया। इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा आपको, बहुत बेकार था, बहुत वर्स्ट था वो, बहुत वर्स्ट चीज़ थी ये, और बिल्कुल ऐसा करना बहुत वाहियात, मेरे शब्द में कहा जाए कि बहुत ही वाहियात है ये आइडिया, फ्लॉप आइडिया, बिल्कुल फ्लॉप, और ये सर्च भी फ्लॉप था, और अच्छा हुआ मैंने रिसर्च कर लिया। तो हुआ क्या कि जब मैंने देखा तो डे 36 को, उस दिन रेस्ट डे था, तो मैं फिर उस दिन, जबकि मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया था डे 36 को, मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना वेट किया
मैंने देखा कि 85 था मेरा वेट और 80 मतलब 1.4 kg मैंने 3 दिन में लॉस कर लिया था। देख करके तो बहुत खुशी हुई, लेकिन शाम के समय फिर क्या हुआ, अचानक से शाम में 6 बजे से लगा थोड़ा सा हल्का हल्का सा फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि लगता है बीपी अनस्टेबल हो गया है। तो उसके बाद फिर मैंने ORS इलेक्ट्रोल पाउडर होता है वो मैंने तुरंत, क्योंकि नमक चीनी पानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नमक कम हो जाता है बॉडी में, पानी कम हो जाती है, डिहाइड्रेट बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है जिस कारण से बीपी लो हो जाता है। तो मैंने वो तुरंत घोल लिया, पी लिया, फिर थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर शाम के समय मैंने उस दिन फिर मुझे लगा कि लगता है कि शरीर में कुछ अनबैलेंस हो रहा है, मैंने मुझे फील हो गई थी। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई दिया या कुछ ऐसा कुछ भी कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा बीपी नापा, उसने बोला कि कंट्रोल करो, कुछ एडवाइस दिया कि एक दिन में तुम्हारा फैट टू फैट जो तुम कर रहे हो, एक दिन अगर तुम सोचते हो कि 1 मंथ में अगर तुम 5 kg कम कर लोगे तो ये बिल्कुल तुम गलत कर रहे हो, मेडिकली तुम हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, कोलैप्स कर सकते हो, वगैरह 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 वॉट एवर। उसने जो उन्होंने जो कहा उन्होंने अपने हिसाब से वो सही कहा, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग भी देख रहे हो मैं 4.8 kg ऑलरेडी कम कर चुका था। उस समय मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई, अब बात ये आती है, प्रॉब्लम मुझे इसलिए हुई कि अब आप लोगों को मैं एक बताता हूँ, एक बहुत ही सही चीज़, आप लोग चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जस्ट 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा पानी को होल्ड करता है, और हमारा बॉडी 70% बॉडी हमारा बॉडी में पानी होता है, वाटर होता है। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट अगर कम करोगे तो ऑब्वियसली आपके शरीर में पानी कम होल्ड होगा। समझ रहे हो बात को आप, कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट जैसे ही अगर आप जैसा लोग कहते हैं कि अगर आपको जल्दी वेट लॉस करना है तो केवल 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, कार्ब्स कम कर दो। कार्बोहाइड्रेट कम करने का मतलब कि आप ग्लाइकोजन को कम कर रहे हो, ग्लाइकोजन कम कर रहे हो मतलब आप एनर्जी लेवल को कम कर रहे हो, एनर्जी लेवल मतलब वाटर को कम कर रहे हो आप बॉडी से, आप क्या कहते हैं ना। तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हो तो आप यानी 3 ग्राम 4 ग्राम पानी आपकी बॉडी होल्ड करेगी, और अगर आप जितना भी आप अगर आप 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो एक दिन में, या 300 ग्राम 400 ग्राम ले रहे हो, यानी कि पानी उसका जस्ट 3 गुना या 4 गुना ज्यादा वो पानी को होल्ड करेगी। तो अगर आप अगर कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हो खाना पीना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम ले रहे हो तो आपके बॉडी में पानी भी कम होता जाएगा। तो ये जो 3 दिन में जो वजन 1.4 kg कम हुई ना, उसका रीजन यही था कि आपके जो शरीर में पानी था वो कम होना शुरू हो गया। आपने कार्बोहाइड्रेट लेना कम किया तो आपके शरीर में पानी होल्ड होना कम हो गया, आप जो पानी पी रहे थे वो सारा पसीना से और आप वॉशरूम जा करके वो कंप्लीट निकल जा रहा था। उसके अलावा जब आप ओट्स खा रहे हो, दलिया खा रहे हो, ये सब फाइबर है। फाइबर क्या करता है, फाइबर आप लोग हम लोग इसीलिए लेते हैं कि ताकि वो पेट में कॉन्स्टिपेशन ना करे, और जो भी स्टूल होती है वो मॉर्निंग में इजिली बाहर आ जाए। और वो स्टूल बाहर आती क्यों है, वो क्योंकि पानी को ऑब्जर्व करती है, कि फाइबर जो होता है वो अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेता है, और वो साथ में क्या कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल क्या कहते हैं ना, बिना कॉन्स्टिपेट किए आपके पेट को खाली करता है मॉर्निंग में। तो हुआ क्या, एक तो आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, एक तो मैंने कार्बोहाइड्रेट लेना कम कर दिया, तो बॉडी में वैसे भी पानी की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि बॉडी में ना कार्बोहाइड्रेट नहीं था, 100-150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो पानी भी कम होल्ड हो रहा है, तो पहले वहां से पानी कमी। उसके अलावा मैं दलिया खा रहा हूँ, ओट्स खा रहा हूँ, ये सब फाइबर होता है जो कि बॉडी के लिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो वो जब अंदर जा रहा है तो वो जो पानी जो रहा सा पानी है वो होल्ड करके वो अपना पानी आपके शरीर से बाहर हो जा रहा है। तो आपके बॉडी में तो 3 दिन में वो किया क्या, शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, ऑटोमेटिक आपका वजन कम होने लगेगा, स्पीडली डाउन होगा, ठीक है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ फाइनली, कि आपके शरीर में पानी नहीं था तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, पानी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई मतलब वजन आपका, आपको चक्कर आने लगा, बीपी लो हो गया, और बीपी लो हो गया तो आप बीमार पड़ गए। और एक बार अगर बीपी अनस्टेबल, ब्लड प्रेशर ऐसा चीज़ है कि अगर अनस्टेबल हो जाए, बीपी लो होना हाइपोटेंशन कहलाता है, बीपी हाई होना हाइपरटेंशन कहलाता है। तो बीपी हाई होना भी खराब है और बीपी लो होना भी खराब है। एक बार के लिए तो चलो आप बीपी हाई हो जाएगा तो दवाई से उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर बीपी लो हो गया तो आप उसको दवाई से, कोई दवाई नहीं होता है कंट्रोल करने के लिए, उसका यही उपाय है ग्लूकोज, कि आपके बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, पानी चाहिए, हाइड्रेट कीजिए बॉडी को। तो बस वही आप अगर ऐसा होता है, और एक्सरसाइज करने वाले जिम करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है, बॉडी उनके डिहाइड्रेट हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में इसीलिए वो लोग ग्लूकोज ग्लूकॉन डी और समथिंग ORS वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वो बहुत डिजास्टर था। आप देखो अब 2-3 से मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, आज जब मैंने वेट नापा अपना तो वापस मैं 85.4 हो गया। क्या फ़ायदा हुआ, 86.4 था, 85.4 हो गया। अभी 2 दिन बाद फिर जब अगर मैं डे 30 से अगर डे 40 का अगर वेट करूँगा तो 1 kg कम हुआ, वो तो वैसे भी मेरा 100 ग्राम कम हो रहा था जब मैं डे 24 से डे 30 के बीच में जब वेट किया था 6 दिन में 600 ग्राम।
तो ये गड़बड़ थी मेरी, ये रिसर्च फेल हो गया। और आप लोग को भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें, डाइट के थ्रू कभी मोटापा कम ना करें, क्योंकि वो जितना जल्दी कम होगा उतना ही जल्दी उतना ही तेज़ से वापस बढ़ भी जाएगा डाइट के साथ ही। इसीलिए एक्सरसाइज के थ्रू बढ़ाना ज़्यादा अच्छा है, कार्डियो के थ्रू, फैट लॉस वेट लॉस एक्सरसाइज के थ्रू। तो यही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। और अब जैसे डे 40 हो गया है, अब मेरे पास बचे हैं 60 दिन। अब 60 दिन मैं बिल्कुल वैसे ही अपने यूज़ करने वाला हूँ एक्सरसाइज में, बिल्कुल कम्प्लीटली डाइट, देसी डाइट अपना जो चल रहा था वही डाइट चलेगा, और जो अपना एक्सरसाइज था वो एक्सरसाइज ही चलेगा। और उसी के थ्रू जितना कम होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर मैं 75 kg वेट लाने में सक्सेसफुल रहूँगा विद इन होम, मतलब एट होम क्या कहते हैं, मतलब अगर आप मैं बिना जिम गए और बिना रनिंग किए फील्ड में, केवल घर पे रह करके, मैं बिल्कुल मैं कंफर्म हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, मैं मुझे भी फीलिंग है 60 दिन बहुत है। 60 दिन में अभी मेरे पास, मेरा भी वेट 85.4 kg है, अभी मेरे पास लगभग 10 kg मुझे कम करने हैं, 60 दिन टाइम है। और होपफुली ऐसा जरूर होगा कि मैं इसे कम करने में सक्सेसफुल रहूँगा। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी शेयरिंग, मेरी रिसर्च की सारी समरी, एंड होप यू लाइक द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।